लखनपुर शहर में डॉली और बॉबी अपने माता पिता के साथ रहते थे। डॉली और बॉबी दोनों ही भाई बहन थे। वह दिल्ली के एक बड़े स्कूल में पढ़ते थे। डॉली 7th में और बॉबी 8th क्लास में पढ़ता था। उनके माता पिता दोनों ही एक साथ बिजनेस करते थे और हर साल कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाते थे। कोई भी हो, घूमने में मजा तो आता ही है, क्यों? सही कहा ना मैंने? उन्होंने इस बार हिमाचल के एक गांव बादली घूमने का प्लान बनाया है। यह गांव काफी सुंदर और शांत था। यहां बाकी जगहों की तरह पर्यटकों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। डॉली और बॉबी बहुत खुश थे। मम्मी ने सभी जरूरत की चीजें पैक कर ली थी और वह अपनी यात्रा पर चल पड़े। हिमाचल का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, रास्ते की हरियाली और वहाँ बने घर देखकर उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं था। जब वह बादली गांव में होटल में पहुँचे, जो कि उनके पापा ने पहले से ही बुक कर लिया था, तो वहाँ उनका अच्छा स्वागत किया गया। उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था ट्रैकिंग करने, बोट का आनंद लेने और वहाँ रोज होने वाले स्नोफॉल में। कब वक्त बीतने लगा उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन वहाँ एक अजीब बात थी। वो लोग बोलते थे कि किसी अनजान गाड़ी को देखकर उनके पास नहीं जाना। एक दिन वह लोग अपने होटल पर ही थे। सुबह सुबह का वक्त था। डॉली और बॉबी के मम्मी पापा सो रहे थे, तभी एक कार के हॉर्न से डॉली और बॉबी की नींद खुल जाती है। जब उन दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके होटल के पीछे की तरफ एक बहुत ही सुंदर पुराने जमाने की कार खड़ी हुई थी, जिसमें बड़ी ही सुंदर लाइट लगी हुई थी। डॉली और बॉबी रह ना सके और होटल के पीछे खड़ी उस कार के पास पहुंच गए। उस कार में कोई नहीं था। ना जाने क्यों वो उस कार में बैठ गए। उनके बैठते ही उस कार के दरवाजे बंद हो गए और कार चलने लगी। वह कार उन्हें उस गांव की ऐसी ऐसी जगहों पर ले गई जहां वो पहले नहीं गए थे। इतने सुंदर झरने, फूलों और फलों से ढके पेड़ पौधे देखकर डॉली और बॉबी यह भी भूल गए कि ये कार अपने आप ही चल रही है। कुछ देर बाद डॉली और बॉबी को बहुत तेज भूख लगने लगी। तभी उनके सामने स्वादिष्ट खाना आ गया। उन्होंने खाना खा लिया। उसके बाद उन्हें नींद आने लगी। जब उनकी नींद खुली तो वह अपने होटल के कमरे में थे। पहले तो उन दोनों को लगा कि उन्होंने कोई सपना देखा होगा, लेकिन अपने मुंह और हाथों पर लगे खाने को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि जो भी हुआ वह सच था। उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। अब अगली सुबह भी उन्हें एक बार फिर उस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इस बार वह बड़ी सावधानी से उस गाड़ी के पास गए और गाड़ी में बैठ गए। डॉली और बॉबी ने हिम्मत करके गाड़ी से सवाल किया, तुम कौन हो? ये गाड़ी अपने आप कैसे चलती रहती है और तुम रोज क्यों घुमाने ले जाती हो? तभी गाड़ी में से आवाज आई, बच्चों मुझे कोई नहीं चला रहा, मैं अपने आप ही चल रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब इस गांव में आने वाले यात्रियों को घुमाने का काम सिर्फ मेरा था। लोग मेरी सवारी करके बहुत खुश होते थे। मैं उनको ऐसी ऐसी जगह ले जाती थी जो किसी को पता नहीं थी।
फिर समय बदल गया और मैं बूढ़ी हो गई, तो इन लोगों ने मुझे कबाड़ में डाल दिया और यात्रियों के लिए नई गाड़ियाँ ले आए। उन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसके बाद मैंने उन लोगों को डराना शुरू कर दिया। तो तुमने हमें क्यों नहीं डराया? क्योंकि जब तुम दोनों मुझसे मिले तो तुम मुझसे नहीं डरे और तुम्हारी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं डराया और आज भी तुमसे मिलने आ गई। तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारी वजह से लोगों ने इस गांव में आना बंद कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे लोग तुमसे प्यार करें और इस गांव में फिर से आना शुरू कर दें। अब गाड़ी को बच्चों की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह प्यारे प्यारे गाने सुनने लगी। कुछ दिन बाद डॉली और बॉबी वहां से चले गए। उस जादुई गाड़ी ने अब लोगों को डराना बंद कर दिया था। अब यह लोगों की मदद करने लगी थी, जिसकी वजह से उस गाड़ी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वह गाड़ी रात के वक्त हॉर्न बजाकर लोगों को बुलाती और बदली गांव की अनोखी और सुंदर जगह लोगों को दिखाती।